इससे आपका क्वेश्चंस बन सकता है। अभी आज ही आपने देखा है कि 8 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है, इसके उद्घाटन किया है, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसे मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में इससे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 8 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव आधारित केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है, याद रखिए, आपका राजघाट जो गांधी जी की समाधि स्थल है, यहाँ दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। एक बात और याद रखिए, गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था गांधी जी का कब, 2 अक्टूबर 1869 को, और इनका इनकी मृत्यु कब हुई, इनका निधन हुआ 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में ही, यानी कि नई दिल्ली में ही। इन्हें आप जानते हैं कि नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिए, इस राजघाट जो इनका समाधि स्थल है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा 10 अप्रैल 2017 को इसकी घोषणा की गई थी, और अब जाकर इसकी स्थापना हुई है। आप समझ रहे हैं कि आपका 10 अप्रैल 2017 को इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आज जाके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगर इसकी हम लोग विशेषताओं की बात करें, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की विशेषताओं की, तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र राजघाट के पास स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना भविष्य की पीढ़ियों को दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से परिचित कराएंगे। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन का संतुलित मिश्रण स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर सूचनाएं, जागरूक और शिक्षा प्रदान करेगा। और बात एक खासियत देखिए इसमें, आप लोग देखेंगे यहाँ कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक अद्वितीय प्रकार का 360 डिग्री ऑडियो विजुअल का अनुभव होगा, जो भारत की स्वच्छता की कहानी भी सुनाएगा। समझ रहे हैं कि मतलब आपको कहानी भी सुनने को मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन आखिर क्या था? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसके प्रयासों में तेजी लाने एवं स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे यहाँ देश में आप सोचिए कि सबसे अगर अच्छा काम लगता है तो हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक काम बढ़िया लगता है, स्वच्छता अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया हुआ था मिशन, उसमें आप देखते हैं कि काफी हद तक सक्सेस हो चुके हैं हम लोग। आप देखते थे 2014 के पहले, आप देखते थे कि किस तरह से ये गंदगी फैली रहती थी, और आप समझिए कि हम लोग पाकिस्तान से पीछे थे, मतलब स्वच्छता में। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी, मतलब हम लोग, आप सोचिए कि शौचालय का यूज नहीं करते थे हम लोग, पाकिस्तान से भी प्रतिशत के मामले में हम पाकिस्तान से खराब स्थिति हमारी थी। लेकिन काफी हद तक आप देखते हैं कि सबके घर में शौचालय की व्यवस्था करवा दी गई है, काफी हद तक व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। और आप जानते हैं कि गांधी जी का इसलिए नाम इसमें रखा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी स्वच्छता को बड़ा महत्व देते थे। आप जानते हैं ग्राम पंचायतों को, अगर सोचिए गांधी जी अगर जिंदा रहते तो मुझे लगता है कि जो आपका ग्राम पंचायतों को संविधान में प्रावधान मिला हुआ है 1993-94 में जाके, ये आपका 1950 में ही मिल जाता, उसी समय संविधान में इनको जगह मिल जाती। क्योंकि आप देखिए, स्वच्छता और पंचायतों को हक देने के मामले में गांधी जी काफी हद तक सक्रिय रहते थे। इस मिशन के तहत संपूर्ण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त, यानी कि ODF घोषित किया गया है। इसके तहत मिशन अब अगले चरण सेकंड अर्थात ODF+ की ओर अग्रसर है, जिसमें ODF स्थिति को बनाए रखने और सभी के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ये आपका इसका सेकंड चरण है, ठीक है। तो यही पॉइंट थे कुछ आपके महत्वपूर्ण, इन्हें याद रखिए।